वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति मामले में हुई है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक याचिका पर सुनवाई हो रही है। इसी कड़ी में भाजपा का पक्ष रखते हुए हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने आज सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, आज सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, अपराध किया है तो आपको इस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, और जांच एजेंसी लगातार अपना काम कर ही रही थी और सीबीआई ने पहले भी इनसे पूछताछ की थी, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य दिखाई नहीं देता। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, परिणाम सबके सामने आएगा। सर, वही जल मंत्री आती थी आज, अखिलेश ने भी मुलाकात करी है उनके स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरह से वो सत्याग्रह कर रही थी पानी कमी को लेकर। सत्याग्रह नहीं था, वो एक राजनीतिक नौटंकी थी जो खत्म हो गई है। अब उन सबसे कलाकारों से मिलने का एक अभियान चलेगा जिसमें अखिलेश यादव भी गए हैं, मुझे इसमें कोई नई बात दिखाई नहीं देती। सुप्रीम जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने याचिका वापस ली है आम आदमी पार्टी के वकील ने, तो वो उनका अपना विशेषाधिकार है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके सर, हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एमके न्यूज़ के लिए दिल्ली से।